पाकिस्तान तो नेपाल दे रस्ते भारत आई सीमा हैदर बारे नित नवे खुलासे हो रहे हैं। कुछ उसनू शक दी नज़र नाल देख रहे हैं जबकि कुछ उसके प्यार नू सच्चा दस रहे हैं। इस दौरान मुंबई च एक सनसनीखेज धमकी भरी काल आई है। इस फोन करने वाले ने कहा है कि जे सीमा हैदर नू पाकिस्तान वापस ना भेजा गया तो भारत नू 26/11 मुंबई अत्तवादी हमले वर्गे की तैयारी करनी पवेगी। ये फोन कॉल 12 जुलाई नू मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मिली सी। इस कॉल तो बाद पुलिस सरगर्म हो गई और कॉल बारे होर जानकारी ली जा रही है। रिपोर्ट मुताबक सीमा हैदर का हवाला देते हुए उर्दू भाषा में गल की उसने ये भी कहा कि जेकर सीमा नू वापस ना भेजा गया तो भारत तबाह हो जाएगा। सीमा हैदर अपने बॉयफ्रेंड सचिन मीणा के नाल भारत में रहने लिए अपने 4 बच्चों समेत आ गई है। वह दावा कर रही है कि वह पाकिस्तान की रहने वाली है और नेपाल राही भारत में दाखिल हुई। सीमा हैदर के पति ने भी मीडिया राही भारत सरकार को उसकी पत्नी को पाकिस्तान वापस भेजने की अपील की है। उत्थे ही सीमा ने कहा कि वह हिंदू धर्म अपना लेगी और अपने बॉयफ्रेंड नाल भारत ही रहेगी। सीमा के पति ने दसिया कि उस को सऊदी अरब जाने लिए पासपोर्ट बन गया सी पर वह बच्चों को लैके भारत पहुँच गई। सीमा के पति गुलाम हैदर जाखरानी ने सोशल मीडिया राही भारतीय मीडिया नाल संपर्क करके अपनी पत्नी और बच्चों तो वक्त होने का दर्द जाहिर किया है। उसने कहा कि वह सब कुछ भुल के सीमा नू गले लगाने लिए तैयार है। उसने भारत और पाकिस्तान सरकार तो मदद की मांग की है। भारत आने तो बाद सीमा और सचिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिता गया। हालांकि कुछ समय बाद दोवों जमानत भी मिल गई।